Friends, में आपका एक बार स्वागत है और आप सभी को, है, दिवाली, आप सभी को है, दिवाली की से दिवाली सेलिब्रेट करिए भी फोड़िए एज वेल एज दीपक भी जलाइए रोशनी भी करिए भगवान श्री राम का त्यौहार तो है लक्ष्मी माता की पूजा का त्यौहार तो है तो आज जैसे कि आपको पता ही है मुहूर्त ट्रेडिंग है मुहूर्त ट्रेडिंग में uh, कुछ स्टॉक्स हर कोई आपको बताते ही है तो आज की डेट में हम भी यहाँ पर तीन स्टॉक से रिलेटिव बातें करेंगे जहां पर हमें आ, अगले दिवाली तक लगभग आपको मुझे लगता है कि हंड्रेड परसेंट तक के रिटर्न यहाँ पर मिल जाना चाहिए आ, तो उसी को लेते हुए हम तीन स्टॉक करेंगे करेंगे बात करेंगे, बट बिफोर इस तरीके की वीडियो से मिलती रहे आपको सीखने का मौका मिले सीखने की कोशिश करिए बाकी पैसे तो आप खुद की स्टडी भी करेंगे तब भी कमा लेंगे बैंक से लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और यहाँ पर अः इन सभी स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर डेली वीडियो बनाई जाती है और हमसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड सर्विसेज है, पेट सर्विसे है वहाँ पर और यहाँ पर आ, सीखने की कोशिश करिए सीखने जितना सीखेंगे उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो सबसे पहले हम जिन स्टॉक से लेटेड बातें करेंगे मॉरल टाइमिंग में तो हम सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सवा बजे से सवा बजे तक आज की डेट में मार्केट ओपन होगा एक घंटे के लिए छह बजे यहाँ पर प्री ओपन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा तो आप ध्यान रखिए

यहाँ पर दीपक स्पिनर दीपक स्पिनर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे किस में काम आता है यहाँ पर फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स एंड ब्लेंडेड बना बनाता हुआ दिखाई देता है अगर मैं इसका आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ले जाके आपको दिखाऊं तो या पर जितने भी इनका अगर आप एक बार पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती हुई दिखाई देती है यहाँ पर इनका प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज करते हुए दिखाई देते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हंड्रेड परसेंट पॉलिस्टर हंड्रेड परसेंट एक्राइल्स हंड्रेड परसेंट विस्कॉस पॉलिस्टर विस्कॉस ब्लेंडेड, पॉलिस्टर एक्राइल ब्लेंडेड, कार्पेट पाइलियां ट्राइलोबल ब्लेंड हाई बल्क एक्राइल यांस हाई बल्क पॉली एक्राइल यांस तो यहाँ पर ये यह कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती हुई दिखाई देती है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और केवल इंडिया में ही नहीं यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड में भी काम करती हुई दिखाई देती है मतलब ये एक्सपोर्ट भी करती है जैसे कि सीरिया मिडिल ईस्ट टर्की बेल्जियम यू और बहुत अलग कंट्रीज़ में इनके यहाँ पर प्रोडक्ट जाते हुए दिखाई देते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर यान और कॉट इस सभी चीज़ों की यहाँ पर खपत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें इनके प्राइजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये जितने ही प्रोडक्ट्स है ओके जिस और जो ये कंपनीज ये काम करती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे और जितनी भी स्पिनर कंपनी के नंबर मैं देख रहा हूँ चोटी हो या बड़ी हो अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दीपक स्पिनर क्यों चुना है इसके पीछे का एक रीजन है इसका चार्ट पैटर्न में हम जब चलेंगे तो उसकी तरफ उस टाइम बात करते हुए दिखाई देंगे सबसे पहले फाइनेंशियल्स तो आपको एक अल्टीमेटम देना चाहता हूं आपको एक वो देना चाहता हूँ कि इसका मार्केट कैप की अगर हम बात करूं तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है माइक्रो कैप का मतलब क्या है माइक्रो कैप का मतलब है जिसका हजार करोड़ रुपए से कम का मार्केट कैप होता है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है ओके okay, और रिवार्ड भी उसी तरीके से तो रिस्क कम का मतलब है की अगर शेयर गिरना शुरू किया तो नीचे की तरफ जाता हुआ बहुत ज्यादा गिर सकता है बट भागना शुरू किया तो यहाँ पर अच्छा खासे तरीके से भाग के आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है क्योंकि ये पिछले अगर बात करूं एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर 300 परसेंट से ज्यादा की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है बट स्टिल यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल और 100 परसेंट पैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है अगली दिवाली तक आरो सी आर ओ यहाँ बात करें बारह और दस की है डेट की बात करें पैंतीस का ही डेट है ना, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग है और शेयर चार सौ हाई लगा के दो पे एक कंसोलिडेशन मोड पे बोर्ड पर चलता हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी मेरी यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है पी की बात करें सिक्स का पी है है दूसरे इसके पीपीएस जो कंपनी उसका जो पी की बात करेंगे तो हाई पी पे दिखाई देते हैं वो इससे ज्यादा दिखाई देते हैं और तो यही कंपनी एक बेहतरीन नजर आती है और अगर हम देखें इसका चार्ट पैटर्न तो चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ ही है बट इसमें कमी क्या है इसमें यह होता है कि ये कंपनी अगर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा करती हुई नजर आती है यहाँ पर देखेंगे एक लंबा कंसोलिडेशन उसके बाद भाग का अगर हम बात करें तो दीपक स्पिनर की ग्यारह तारीख को इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर रिजल्ट है। और यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हुई दिखाई देंगी तब हमें एक और आइडिया लगता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स तो यहां पर देखिए कंपनी की सेल्स अच्छी खासी तरीके से यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी यहाँ पेंडेमिक आया पैंडमिक की वजह से यहाँ पर सब चीज बिगड़ती हुई दिखाई दी फिर दोबारा यहाँ पर एक सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी यहाँ पर पैंडमिक का असर अदरवाइज यहाँ पर कंपनी पैंडेमिक की वजह से नीचे आती हुई दिखाई दी अदरवाइज कंपनी अच्छी खास तर... तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है नो डाउट और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी का एक ग्रोथ मॉडल भी दिखाई देता है कंपनी लगभग 10 साल में दो गुना हो चुकी है 206 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 436 करोड़ की सेल्स में यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी यहाँ पर एंडमिक की वजह से सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दिया बट उसके बाद दोबारा कंपनी जाते ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बारह महीने में अट्ठाईस करोड़ का हाइस्ट टाइप प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है इसके अलावा रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वन और बॉरिंग की बात करें तो कंपनी की बॉरिंग बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है कभी यहाँ पर देखिए एक सौ इक्यावन करोड़ डेढ़ सौ करोड़ की बोरिंग थी अभी केवल फिफ्टी सिक्स करोड़ की बोरिंग हो गई है व, वर्किंग प्रोग्रेस में तीन करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कंपनी का कुछ नहीं है बट कैश की बात करें तो एक करोड़ का कैश भी और जो जो, आ, जो भी पैसा आता है आ, ओके यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है थर्टी करोड़ की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर एज इट इज बनी हुई है यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी उतनी ही यहाँ पर कुछ क्वार्टर से होल्डिंग यहाँ पर चार क्वार्टर से सेम दिखाई दे रही है तो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बेहतरीन है एफ आई डी आईज यहाँ पर ना के बराबर है ओके डी आईज की बात करें तो पॉइंट जीरो एट परसेंट ही है पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इतनी ही यहाँ पर दिखाई देती है इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू इनके रेवेन्यू देखिए कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पेंडेमिक का असर था इस वजह से यहाँ पर कम बट दोबारा पैंडमिक खत्म होते जैसे ही खत्म हो रहा है सब कुछ खपत आ रही है तो ये चीजें दोबारा भागती हुई मुझे एटलीस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग सही है और एज वेल एज बात करें तो कंपनी

तो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है कंपनी का फेस वैल्यू है दस, तो आने वाले टाइम में शायद हमें स्प्लिट या बोनस की भी पर आ सकती है अब बात करते हैं यहाँ पर दीपक स्पिनर की तो दीपक स्पिनर की अगर हम बात करें तो दीपक स्पिनर आपके सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग कर रखी है दो तीन दिन आ, कुछ दिन पहले यहाँ पर बाइंग कर रही थी जब ये नीचे था और यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर लगभग 85 तो नहीं कहेंगे थो थोड़ा सा ऊपर भाग अस्सी परसेंट की रिटर्न यहाँ पर तो दिखाई दे, तो तो दे रहे हैं ओके मोर देन अस्सी परसेंट रिटर्न है जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक कर्व बनाते हुए इस तरीके से ये चीजें जाएंगी तो एक साल का टाइम इसलिए मांगा है की एक साल में अस्सी से सौ परसेंट तक के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा एक बेहतरीन लेवल पर एक बेहतरीन कंसोलिडेशन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार के रिजल्ट यहाँ पर आपको बता देंगे कि कंपनी कितनी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए कंसोलिडेशन जरूर इसमें होता है बट जब शेयर भागना शुरू करता है तो ये जैसे कि अगर ये कमोडिटी में आता है शेयर तो कॉमोडिटी इसी तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है कॉटन या सेल्टी काम करता है तो चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी फिर भागता हुआ दिखाई देगा ये शेयर और अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ दिखाएगा बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ये शेयर मुझे नजर आता है बट एटलीस्ट एक बार यहां पर थोड़ा बहुत बाइंग थोड़ी बहुत करनी है तो कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ पर एक बार रिजल्ट ग्यारह तब आप यहां पर सोच सकते है, यहां पर सकते हैं देख सकते हैं इसके अलावा हम एक और स्टॉक्स की बात करेंगे कुछ टाइम पहले आपको एक स्टॉक्स बताया था मैंने आ, यहां पर ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल पैनल की अगर मैं बात करूं आपको बहुत नीचे लेवल पर जब लोग इसे ले नहीं रहे थे तब आपको यहाँ पर ये यह स्टॉक्स उसके बाद ये अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया और अच्छे खासे रिटर्न भी मिले बट इसके साथ में एक और स्टॉक्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर ग्रीन प्लाई अगर सेंचुरी देखिए ग्रीन पैनल का रिजल्ट अच्छा है ग्रीन आ, 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 इसके अलावा सेंचुरी प्लाई का रिजल्ट अच्छा है और अगर मैं अभी इस स्टॉक्स की बात करूं ये स्टॉक्स भी आपको नीचे लेवल पर दिलाया था तो ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक्स है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद ट्वेंटी सिक्स परसेंट इसका मार्केट शेयर है याद रखिएगा 26 परसेंट का मार्केट शेयर है तो यहाँ पर ध्यान देखिए मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है दो करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पी रेशो -E की बात करें 36 का पी -E है और आर ओ आर की बात करें 15 परसेंट का आर ओ -E है 46 परसेंट का डेट है शेयर एकदम बेहतरीन नजर आता है ऑल टाइम हाई के आसपास है ये शेयर ओके okay, यहाँ पर काफी सब चीज यहाँ पर नजर आता है और ये जो

भागती हुई दिखाई देगी और अच्छे खासे रिटर्न यहां पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे रिजर्व की बात करें रिजर्व बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपनी के यहाँ पर जो तीन थे वो चार हो गए इसके अलावा बोराइंग की बात करें बोराइंग यहाँ पर कंपनी की कम होती दिखाई दे रही है जो सात करोड़ की बोरइंग थी वो दो करोड़ की बोराइंग में रह गई है वर्किंग प्रोग्रेस में छह करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट तेईस करोड़ कैश की बात करें एक करोड़ का यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी के पास कैश भी है और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है एफ की बात करें तो देखिए एफ ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है डीआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है फिफ्टीन और यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्रमोटर्स के बाद फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स भी होल्डिंग बढ़ाई है देखिए तो हुई नजर आई है।, तो ग्रीन, ग्रीन तो है इसकी तरफ दीजिए रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर एक अगर हम चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो एक बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी नजर आ रहा है अगर थोड़ा सा यहाँ पर बायोन डिप्स करने का मौका मिले तो अच्छे खासे तरीके से यहाँ कर लीजिएगा नौ तारीख को इफ एम नॉट रॉन्ग यहां पर इसके रिजल्ट है और एक बेहतरीन सपोर्ट देखिए यहाँ पर

यहाँ पर आ, किस तरीके से आपको कितने परसेंट के रिटर्न दे सकती है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं और यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो लगभग 376, 376 थ्री सेवन यहाँ पर, पर टारगेट आता है लगभग 70 से 80 एक साल में अगर 70 के रिटर्न मिल जाए नॉट अ बैड रिटर्न तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और सीधे चार्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी हो जाएगी लंबी अदरवाइज यहाँ पर अगर मैं आपको अ, इस स्टॉक से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ तो ये विल्सन यहाँ पर इस्टर, स्टर्लिंग एक मिनट दीजिए मुझे स्टेलिंग एंड विल्सन यहाँ पर दिखा दे रखा है देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स है ओके जब आया था इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था इसके यहाँ पर जब ये लिस्ट होता है वो दिखाई दिया था सात के आसपास इसे क्यों बता रहा हूँ इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा यहाँ पर प्लेयर नजर आता है सोलर सोलर प्रोडक्ट्स बनाता हुआ नजर आता है उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा एज वेल एज रिलायंस ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी और शेयर यहां से अच्छा खासा पर करेक्ट पर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है और यहाँ से सीधे जो इसका ऑल टाइम हाई जो हमें नजर आता है वही ऑल टाइम हाई हमें नजर आता है थोड़ा सा टाइम एक साल का टाइम दे दीजिए सोलर का यहाँ पर सब चीज चलती हुई नजर आ रही है सेवेंटी के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो तीन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए स्टर्लिंग